हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं इंग्लिश गुरु। और डियर, आज हम आपके सामने लेकर आए हैं संडे कमेंट बॉक्स। डियर, पिछले वीक जो भी क्वेश्चन आपने पूछा था, तो मैंने उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठाए, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है और आई थिंक कुछ लोगों को इरिटेटिंग भी लगता है कि कुछ इजी इजी क्वेश्चन रहते थे। तो आज मैं कोशिश वो किया हूं अपने तरफ से कि शायद वो सबको प्रॉब्लम होता होगा, इस तरह के क्वेश्चन आज मैं देने वाला हूं। फिर भी अगर आपको लगता है कि सर मेरा वाला कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था, तो उसको नेक्स्ट वीडियो में मैं जरूर करूंगा। कमेंट करके हमें जरूर बताएंगे, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, तो संभव नहीं है कि सारे कमेंट्स का वीडियो बनाना। अगर एक वीक की बात करें, अगर एक वीक में मैं पूरे कमेंट्स की अगर वीडियो बनाने लगूं, तो आई थिंक 1 आवर एंड 30 मिनट्स, 1.5 घंटे की वीडियो तो बनेगी ही बनेगी। तो सॉरी फॉर दैट कि मैं उतना लंबा तो वीडियो नहीं बना सकता हूं। इन केस योर क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट एंड यू वॉन्ट मी टू आंसर योर क्वेश्चन, तो प्लीज हमें कमेंट अगेन करें, मैं उसको कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीडियो में जरूर बनाने की। तो चलिए शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। पहले वीडियो को लाइक कीजिए, देन स्टार्ट वॉचिंग वीडियोज। जितना ज्यादा लाइक मिलेगा, उतनी अच्छी वीडियोज आप सबके सामने और अच्छे अच्छे वीडियो मिलने लगेंगे। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया है नवीन अतकन के द्वारा। इन्होंने पूछा, स्नैक बाइट मोहन एंड द डॉक्टर गेव हिम अ सीरम। इसे हम पैसिव वॉइस बनाने के लिए क्या करेंगे कि सबसे पहले आपको ये बीट का पता होना चाहिए। इसे बीट भी प्रोनाउंस करते हैं, बाइट, चूंकि इसका वीवन फॉर्म होता है, तो बाइट, बीट, बाइटन, ये हमारा वी3 फॉर्म होता है। बाइटन या बीटन भी इसे लोग कहते हैं, बट बाइटन आई थिंक की करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होगा, बाइटन। जब हम इसे पैसिव वॉइस में करेंगे तो मोहाव, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में इसका यूज किया गया, तो इसके यूज में हम लोग पास्ट इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस में वाज यूज करते हैं। बाइटन बाय अ स्नैक। अब इसमें एक सेकेंड सेंटेंस आपको दिया है, एंड द डॉक्टर गेव हिम अ सेरम। तो देखें डियर, ये जो सेंटेंस था इसको मैं थोड़ा लिख दूं, द डॉक्टर गेव हिम अ सेरम। तो डियर, जब ये चीजें आपको आएगी, डॉक्टर गेव हिम अ सेरम, तो यहां पे आई थिंक कंफ्यूजन थोड़ा सा होगा कि हिम और अ सेरम दो ऑब्जेक्ट्स है, तो दोनों में से हम किसे पहले लिखें। तो डियर कुछ नहीं करना, आप चाहो तो ही को लिख दो, तो ही वाज गिवन, पहले मैं ही से बना दूं, ही वाज गिवन अ सेरम बाय द डॉक्टर। एक चीजें तो हमने ऐसे कर ली। दूसरी थी कि अगर आप अ सेरम को आप पहले लेके आ सकते थे, वॉज given to him by the doctor, आप ऐसे कर सकते थे। आई होप पैसिव वॉइस आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आते हैं, विच वन इज राइट एंड वाई। नितिन गुप्ता, इन्होंने पूछा है, आई एम नॉट फनी बट सीरियस एंड आई एम नॉट फनी बट आई एम सीरियस। डियर सबसे पहले हम यहाँ पे आपको बता दें, जो कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है कि अगर कोई भी आप चाहे वो हेल्पिंग वर्ब ले रहे हैं, अगर कोई भी आप हेल्पिंग वर्ब ले रहे हैं, अगर इसके बाद या तो आप कंप्लीमेंट लिखते हैं, अगर आप फिर से एंड लिखे और फिर कोई कंप्लीमेंट लिखते हैं, कंप्लीमेंट का मतलब है कि आप वहां पे एडजेक्टिव रख रहे हैं, नॉन रख रहे हैं, जो कि वर्ब के मीनिंग को कंप्लीट कर रहा है। तो अगर एक ही हेल्पिंग वर्ब से दोनों का काम चल जा रहा है, तो आपको बार बार हेल्पिंग वर्ब लिखने की जरूरत नहीं है। जैसा आपने सेकेंड में लिखा कि आई एम सीरियस, चूंकि उधर आई एम लिखा हुआ था, आई एम नॉट फनी बट सीरियस सेंटेंस हमारा सही होगा, दो बार हमें एम लिखने की जरूरत नहीं है। अगर टेंस दोनों का अलग होता, या दो हेल्पिंग वर्ब ऐसे होते जो अपने साथ अलग अलग वर्ब फॉर्म लेते, तो हम दोनों को अलग अलग करते। लाइक मैं एक सेंटेंस आपको समझाने के लिए कहूं कि आई हैव हेल्प्ड यू, आई हैव हेल्प्ड यू एंड मान लीजिए यहां पे हमने विल लिखा है, हेल्प यू इन फ्यूचर, या इतना रहने दे, हम इतना ही तक करते हैं, ठीक है। आई हैव हेल्प्ड यू एंड हेल्प यू। अब डियर अगर यहां पे हमने विल लगाया, जैसे मान लो अगर आप सिर्फ हेल्प लिखते तो सेंटेंस हमारा गलत हो जाता, क्यों, क्योंकि हेल्प का हेल्पिंग वर्ब हैव हो जाता। अगर हमने यहां पे विल दिया है, तो मतलब कि विल के अकॉर्डिंग ये यहां पे हेल्प होगा। अदरवाइज अगर जैसे मान लो ऐसे दे देते, आई हैव हेल्प्ड यू एंड हेल्प यू, तो सेंटेंस हमारा गलत होता है। या तो इसे हेल्प में चेंज करना पड़ता है, या हेल्प के अकॉर्डिंग कोई यहां पे हेल्पिंग वर्ब लगाना पड़ता, तब जाके सेंटेंस हमारा सही होता। तो आई एम सीरियस लिखने की जरूरत नहीं है, बट सीरियस ही सेंटेंस आपका सही है। नेक्स्ट है नितिन गुप्ता, फिर से पूछे, आई हैव अ पेन टू राइट।
डियर देखेंगे ये जो सेंटेंस आपने लिखा है, और द पेशेंट वाज ऑपरेटेड, तो कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जो अपने साथ प्रेपोजिशन लेते हैं। तो डियर अगर वो वर्ब से ही कोई सेंटेंस एंड हो रहा है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि प्रेपोजिशन के बाद भी हम कुछ लिखते हैं, लेकिन अगर कोई पैसिव वॉइस या कुछ वैसे सेंटेंस आप लिखें जो कि वर्ब से ही एंड हो रहा हो, तो अगर कोई प्रेपोजिशन वो अपने साथ लेता है, या कोई भी वर्ड हो वर्ब के अलावा या कोई भी वर्ड हो, तो हम प्रेपोजिशन को वहां पे देंगे, अदरवाइज सेंटेंस हमारा गलत हो जाएगा। तो हमारा जो सेंटेंस होना चाहिए था आई हैव अ पेन टू राइट, और आगे लगाना चाहिए था विद, आई हैव अ पेन टू राइट विद, सेंटेंस हमारा तब सही होगा। सेकेंड सही करेंगे हम, द पेशेंट वॉज ऑपरेटेड ऑन, क्योंकि ऑपरेट अपने साथ जब हम ऑपरेशन के लिए यूज करते हैं तो उसके साथ ऑन प्रेपोजिशन का यूज करते हैं, द पेशेंट वॉज ऑपरेटेड ऑन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अगेन है कि हाउ आर फिक्स्ड प्रेपोजिशन मेड, फिर से नितिन गुप्ता ने पूछा है, इन्होंने पूछा है कि सर हाउ आर फिक्स्ड प्रेपोजिशन मेड कैसे बनता है। डियर फिक्स्ड प्रेपोजिशन का ऐसे कोई रूल नहीं है कि हम बना सकते हैं, कोई भी बना सकता है। एक्चुअली ये शुरू से ग्रामेरियन लोग यूज करते आए, कि जैसे अगर मैंने लिखा कि इंटरेस्टेड, तो इसके लिए कोई एक रूल नहीं है कि हमें याद करना पड़ेगा कि ये रूल यहां पे अप्लाई होगा। फिक्स्ड का मतलब कि हमें वो चीज मेमोराइज करनी पड़ेगी, उसके लिए कोई रूल पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो इंटरेस्टेड अपने साथ क्या लेता है, इन लेता है। आई होप आप हमारी बातों को समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। नेक्स्ट आते हैं, मैं रोहन को 5 वर्ष से जानता हूं। डियर इस तरह के सेंटेंस मैंने बहुत बार बनाए, बहुत सारे सेंटेंसेस भी बनाए, तो सिंपल में अगर आपको लग रहा होगा कि ताते ती लगा है तो इंडेफिनिट से होगा, तो ये बिल्कुल आप गलत सोच रहे हैं। हम मीनिंग ऑफ द सेंटेंस चलेंगे। मीनिंग आपका दे रहा है कि 5 वर्षों से जानता है, यानी कोई साल पहले शुरू किया होगा 5 वर्ष पहले, और अभी तक जानने का एक्शन जारी है। इसके लिए हम यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आई थिंक परफेक्ट आप नहीं जानते होंगे, तो परफेक्ट कंटिन्यूअस तो जरूर जानते होंगे। लाइक मैं बोलूं आई हैव बीन रीडिंग इंग्लिश, आई हैव बीन रीडिंग इंग्लिश फॉर 5 ईयर्स, मैं 5 वर्षों से इंग्लिश पढ़ रहा हूं। अब यहां पे बात आती है नो के साथ, कि नो एक स्टैटिक वर्ब होता है जो अपने साथ आईएनजी वाला फॉर्म नहीं लेता है। इस केस में हमें यूज करना पड़ेगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो सेंटेंस की इंग्लिश होगी आई हैव नोन रोहन फॉर 5 ईयर्स, आई हैव नोन रोहन फॉर 5 ईयर्स। नेक्स्ट आते हैं, ये भी रोहित सैनी ने ही पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयुष शाह, इन्होंने पूछा है कि सर राम सेज दैट यू आर अ फूल, इसका पैसिव वाइज कैसे होगा। इन्होंने ट्राई किया है कि कैन वी मेक पैसिव ऑफ इट बाई इट इज सेड बाई राम डेट यू आर अ फूल। डियर ये तो चल सकता है, बट अगर आप SSC का पेपर देंगे तो SSC में आपको इस तरह से नहीं बनाना पड़ेगा। आपको SSC में सिंपल आप बना सकते हैं कि यू आर सेड टू बी अ फूल बाई राम, यू आर सेड टू बी अ फूल बाई राम। सेंटेंस बिल्कुल इसी तरह के इसका कॉन्सेप्ट है, और इस तरह के पैसिव मैंने बताए भी हैं, आप शायद उसी का वीडियो भी देखे होंगे। तो इस तरह के पैसिव वाइज हमने बनाया भी है, You are said to be a fool by Ram. Next question है अजीत मौर्य का, इन्होंने पूछा है कि have a nice day means क्या होता है। Dear, have a nice day हम सब तब बोलते हैं जब हम किसी से मॉर्निंग में मिलते हैं और उससे बिछड़ते हैं, जब हम अलग होते हैं तब हम बोलते हैं have a nice day, मतलब आपका दिन शुभ हो, इसी को हम इंग्लिश में बोलते हैं have a nice day, या आपका दिन बढ़िया हो। आई होप आपको समझ में आ गया होगा अजीत जी। नेक्स्ट आते हैं मैक्सवेल एसआर, इन्होंने भी पूछा है कि स्पोकन इंग्लिश का एक फ्रेज है जो हम लोग स्पोकन इंग्लिश में बहुत ज्यादा यूज करते हैं। इनका क्वेश्चन है टू हुम इट मे कंसर्न, इसका मतलब क्या होगा और कहां यूज करते हैं। डियर सपोज अगर कुछ आप ग्रुप्स में हो या स्कूल में पढ़ते हो या कॉलेज में पढ़ते हो, अगर कोई एक लेटर्स आया हो और वो अननोन हो, अनानमस मतलब जिसको बोलते हैं, उस पर किसी का नाम नहीं लिखा हो, बट कुछ क्लू दिया हुआ हो कि किसका है, तो जो जिनके पास वो लेटर वो बोलते हैं कि जिसका भी ये लेटर भैया लेके जाओ, इस पे कुछ खास नाम वगैरह नहीं दिया कि हम प्रॉपर किसको दूं, ठीक है। अगर किसी को समझ में आ रहा है तो उस इस लेटर को वो लेके जा सकते हैं। तो डियर इस तरह के सेंटेंसेस, इस तरह का फ्रेज हम उसी समय बोलते हैं, टू हुम इट मे कंसर्न यू कैन टेक योर लेटर, योर यू कैन टेक योर बुक, या जो भी चीज आगे बोलना चाहे। तो सिचुएशन आप समझ गए कि सिचुएशन कैसा होगा, कि अनोनिमस चीजें हैं और उसको बोला जाता है कि जिसके साथ ये है या जिससे भी इसका रिलेशन है, उस समय हम बोलते हैं टू हुम इट मे कंसर्न। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है हाउ कैन आई यूज शुड इन कंडीशनल सेंटेंस एज आई रीड, यूज ऑफ शुड इन कंडीशनल सेंटेंस एज वेल, नितिल गुप्ता। तो डियर देखेंगे कि जैसे आप इफ का सेंटेंस लिखते हैं, लाइक इफ यू रीड यू विल पास,
अगर आप ये सेंटेंस लिखते हैं, सेम सेंटेंस को इतने को इफ को हम रिप्लेस कर सकते हैं शुड यू रीड, मतलब इफ का ही मीनिंग देता है, लेकिन ये थोड़ा सा पॉसिबिलिटी जैसा मीनिंग देता है, प्रोबेबिलिटी बताता है यहां पे कि शुड यू रीड, यदि आप पढ़ते हैं तो आप पास कर जाएंगे, मतलब ऐसा संभावना होता है कि आप पढ़ाई नहीं करते हैं, वहां पे हम लोग इफ को रिप्लेस करते हैं शुड से। आई होप आपको समझ में आ गया, हम शुड से रिप्लेस करते हैं, इफ को रिप्लेस करना चाहे तो आप शुड से रिप्लेस कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं, आई थिंक ओके, नेक्स्ट है अरविंद पटेल, इन्होंने पूछा है कि सर मेमोराइज, आई नो डिफरेंस बिटवीन रिमेम्बर, रिमाइंड और मेमोराइज। अब इन्होंने पूछा है कि सर लर्न और रिमेम्बर में क्या अंतर है। डियर सिंपल से आप अगर अपनी मीनिंग अपना सिर्फ वोकैब दिमाग लगाए कि वोकैब कैसे काम करता है, रिमेम्बर का मतलब क्या होता है, कुछ चीजों को याद करना, मतलब जो भी चीजें हम पढ़ रहे हैं उसे याद करना। लर्न का मतलब, लर्न हमें बताता है कि कोई चीजें कैसे होती है उसे जानना। रिमेम्बर में हम चीजें बस याद करते हैं, हाउ डज इट वर्क आई डोंट नो और आई डोंट वॉन्ट टू बोदर, हमें टेंशन नहीं कि काम कैसे होती, बस याद कर लेना है। लाइक कुछ चीजें ऐसी होती है, आप पढ़ते होंगे अगर कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे थे, हिस्ट्री ज्योग्राफी या कुछ वैसे टॉपिक आपको मिलते होंगे, टीचर आपको समझाए बार बार समझाए, बोले यार नहीं समझ में आ रहा, जस्ट लीव इट, याद कर लो, ऐसे ही होता है। तो वहां पे हम रिमेम्बर करते हैं, चूंकि वहां पे हम अपना लॉजिकल नहीं, अपना लॉजिक नहीं लगाते कि आखिर ये काम कैसे करता है। लेकिन जब आप लर्न की बातें करते हैं तो लर्न का मतलब चीजें समझना कि हाउ इट वर्क्स, ये काम कैसे करता है। आई होप आज का जो भी वीडियो था, जो भी क्वेश्चंस थे, मैंने कोशिश की डील करने की। इन केस योर क्वेश्चन इज मिस्ड, प्लीज रीराइट योर क्वेश्चन इन द कमेंट बॉक्स, आई विल ट्राई टू रिप्लाई इन द नेक्स्ट कमेंट बॉक्स ऑन संडे। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करके जाइएगा और बेल आइकन प्रेस जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, तो मिलते हम लोग एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।